हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V27 प्रो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन को आप जो है रीसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और रीसेट करने से क्या होता है, बाद में क्या इसमें बदलाव आते हैं मोबाइल फ़ोन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और रीसेट क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है कभी भी हैंग करने लगता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो है स्लो वर्क करता है, धीरे धीरे काम करता है, कोई भी ऐप हम अगर ओपन करते हैं क्लोज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा समय लेके ओपन होता है या बंद होता है, ठीक है। कभी भी हमारा फोन जो है मोबाइल फोन हैंग करने लग जाता है, कहीं पर हम किसी पेज को ओपन या क्लोज करते हैं या फिर किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करते हैं तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ना वो हैंग होता है, मतलब कि बहुत ही देर में वो प्रोसेस होने लगता है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले तो ये बता देते हैं कि इसे आप जो है रीसेट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का, सिस्टम पर सेलेक्ट करना है या फिर आप जो है सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन दे रखा है, इसे आप टैप करिए और यहाँ पर आप जो है सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट ऑप्शन आप यहां पे टाइप कीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन नजर आ जाएगा रीसेट ऑप्शन का, ठीक है दोस्तों। देखिए आपके पास किसी भी दूसरी कंपनी का भी अगर मोबाइल फोन है ना तो उसमें भी आप इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपने वीवो V27 प्रो मोबाइल में आपको बताने जा रहा हूँ रीसेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा, तो इसे आपको टैप करना है और यहाँ पर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन जो है डायरेक्ट इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा, इस सेटिंग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इरेज ऑल डेटा, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट पे आपको इसे टैप करना है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन को जो है ना रीसेट करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का सारा जितना भी डेटा है वो किसी भी दूसरे मेमोरी कार्ड में, किसी भी क्लाउड में या फिर किसी कंप्यूटर लैपटॉप में आप उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डेटा होगा ना वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मोबाइल फ़ोन वैसा ही हो जाएगा जैसा आप नया खरीद के लाए थे, मतलब अंदर का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपको इसे नीचे की साइड जो ऑप्शन दे रखा है इरेज ऑल डेटा, इसे आपको टैप कर देना है, ठीक है ना। और यहां पर जो है इसे टैप करेंगे तो यहां पर अगला पेज आ जाएगा, लास्ट वाला, और यहां पर नीचे आपको ये दिखाया हुआ है इरेज ऑल डेटा, इसे आपको फिर से टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसे टैप कर देंगे तो आपका जो है ना मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा रख रखा है ना वो सभी आपको अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन में रख लेना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है दोबारा से ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के बाद आपको जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप्स है ना उन सभी का लॉग आउट हो जाएगा, आपको सभी ऐप्स को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कोई भी बटन अपने मोबाइल फ़ोन का दबाना नहीं है, ये थोड़ा सा प्रोसेस में ले लेता है, ठीक है ना, ये जब तक इरेज ऑल डेटा यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट होता है, ठीक है ना। तो आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी ठीक से काम नहीं करता या फिर जो भी है आपके ऐप्स वगैरह ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर आपके मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे हमारा मोबाइल फ़ोन जो फास्ट काम करने लग जाता है और हमारे ऐप्स जो है पहले से बेहतर भी काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी छोटी मोटी कमियाँ होती है एंड्रॉयड सिस्टम की, वो रीसेट करने से सारी की सारी कमियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है ना, रीसेट करने से मोबाइल को। तो देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है आपको कुछ परमिशंस यहाँ पे अलाउ करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था कि हमारा मोबाइल फ़ोन ठीक वैसे ही हो जाता है रीसेट करने से जैसा हम जो है अपने मोबाइल फ़ोन को नया खरीद कर लेकर आए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको जो है ना अपने कुछ यहाँ पे पेजेस में परमिशन देनी है, जैसे कि आपको नीचे की साइड ये स्टार्ट का बटन दे रखा है, स्टार्ट पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका अगला पेज आएगा, यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। यहाँ पर इंडिया मेरा पहले से सेलेक्ट हो रखा है तो आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये तीनों के तीनों टर्म एंड कंडीशन आपको तीनों के तीनों बॉक्स में राइट टिक लगानी है, ठीक है ना, इस तरीके से। और चौथे नंबर ये जो बॉक्स नीचे दे रखा है इस पर भी आपको राइट टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपका ये अगला पेज आएगा, अगर आपने कोई भी वाईफाई कनेक्शन अपना कर रखा है पहले से तो आप यहाँ पर अभी जो है उसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाईफाई कनेक्शन से, अदरवाइज आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दे रखा है सेटअप ऑफलाइन, इसे आपको टैप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ये पेज आएगा, कंटिन्यू के इस पेज में नीचे की साइड ये कंटिन्यू पर टैप करना है और यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज आएगा। आप यहाँ पर अपनी डेट और टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अगर गलत शो हो रहा है तो आप इसे सेट कर सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी सेट कर सकते हैं। आप इसे नेक्स्ट के बटन पर टैप कीजिए तो यहाँ पर आपका ये अगला पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोर का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सबसे नीचे, यहाँ पर जो है इस पेज को ऊपर करेंगे ना ये मोर का ऑप्शन एक्सेप्ट में बदल जाएगा, इसे आपको एक्सेप्ट सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पर आपका ये अगला पेज आएगा, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो आप अभी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे बाद में भी लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको स्किप कर देना है इस पेज को, सबसे ऊपर ये स्किप का ऑप्शन दे रखा है, इसे आप टैप कीजिए तो आपका ये पेज स्किप हो जाएगा। अब आपको नीचे की साइड ये नेक्स्ट का बटन शो होगा, नेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको है ना अगले पेज में यहाँ पर कोई भी ऐप अगर आपको अभी गेट करना है तो आप अभी कर सकते हैं, इसे नीचे ऑप्शन पे गेट पे सिलेक्ट करके, अदरवाइज आप इसे बाद में करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, सबसे ऊपर ये स्किप का ये ऑप्शन है, स्किप पे दबाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका ये पेज जो है स्किप हो जाएगा। अब आपको ये थ्री बटन नेविगेशन पे टैप कर लेना है इस पे पॉइंट पे, और इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन ये टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है ये पेज कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, योर फोन इज रेडी, आपको नीचे गेट स्टार्ट का ये ऑप्शन दे रखा है बटन, इसे टैप कर देना है। ठीक है, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन में जो भी स्क्रीन लॉक या फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक पहले से कुछ भी आपका लगा हुआ होगा ना, वो आपका सभी का सभी हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट करने से ही होता है। और ध्यान रखिए, आप अपने मोबाइल फोन में जितना भी फोटो, वीडियोज या डॉक्यूमेंट या पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी है, आप उसे पहले जो है रीसेट करने से पहले आप अपने किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, आप उसे रिकवर करने में फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है अपने वीवो V27 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन को आप इस तरीके से रीसेट कर सकते हो। ठीक है ना, और आपका फोन जो है रीसेट करने के बाद काफी तेजी यानी कि फास्ट हो जाता है, और काफी सारी जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन की जो छोटी छोटी कमियां होती है वो रीसेट करने से दूर हो जाती है। ठीक है ना,